अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां टनल रास्ते पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष, सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, यशपाल सरकार अपने चहेतों को प्रोजेक्ट देती है। कंपनी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है, ये यशपाल आर्य ने कहा है। सलकियारा टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हरिद्वार एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने यहां कहा कि 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से टनल में फंसे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। अभी तक सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। वहीं यशपाल आर्य ने टनल बना रही कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यशपाल आर्य के मुताबिक कंपनी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है, बावजूद इसके उत्तराखंड में उसे टनल बनाने का काम सौंपा गया है। सरकार अपने चहेतों को काम देने के लिए लोगों की जान को मुसीबत में डाल रही है। सरकार ने का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। आपदा प्रबंधन की पोल खुल चुकी है और जिस तरह के उस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर की टनल है, 5 किलोमीटर की सुरंग और उसमें एडिट टनल का निर्माण न होना, एस्केप टनल का निर्माण न होना, ये भारी चूक है। ये जिंदगी की सांसत में डालने का काम इस सरकार के ने किया है और उन लोगों को काम दिया गया है जो उनके करीबी हैं। महाराष्ट्र में इसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ पर भी मौतें हुई हैं, इनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में मौतें हुई थी। आखिरकार इतनी बड़ी हादसे के बाद यहाँ उत्तराखंड में इनको क्यों यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, सारे मानकों की अंधी करके काम इनको दिया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से सरकार की मिलीभगत है। सरकार अपने चहेतों को काम देने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है।